बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले कादर खान इस दुनिया में नहीं रहे। 81 वर्ष के कादर खान के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनेता से लेकर अभिनेता सभी गमगीन हैं। तमाम हस्तियों ने उनको सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी अभिनेता कादर खान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कादर खान जी ने अपने शानदार अभिनय कौशल और अनूठे मजाकिया अंदाज की बदौलत स्क्रीन को रोशन किया। वह सफल स्क्रीन राइटर और कई यादगार फिल्मों से जुड़े रहने उनके निधन से दुख हुआ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कादर खान के निधन पर दुख जताया। राहुल गांधी ने लिखा है, अभिनेता कादर खान जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार, मित्रों और दुनिया भर में मौजूद प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। राजनेताओं के साथ साथ अभिनेताओं ने भी शोक जताया। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के माध्यम से शोक जताया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक दुखद निराशाजनक समाचार। मंच के एक शानदार कलाकार, अद्भुत प्रतिभा के धनी, मेरी कई सफल फिल्मों के एक प्रख्यात लेखक, एक गणितज्ञ कादर खान साहब नहीं रहे। वहीं अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, कादर खान साहब के जाने का मुझे बहुत दुख है। मैंने उनके साथ कई फिल्में की, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्टिंग के बारे में, मंच के बारे में, जिंदगी के बारे में। वहीं अनुपम खेर के साथ साथ ऋषि कपूर भी बहुत दुखी हैं। उन्होंने लिखा है, आपसे बहुत सीखा है, आपको जन्नत नसीब हो। वाकई कादर खान अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे, एक ऐसा सितारा जो हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा।